आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या दे रखा है कि लेट ए कॉमा बी टू नॉन जीरो रियल नंबर इफ पी एंड आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अपन के पास क्या आ रहा है, पी और आर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, क्यू एंड एस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के रूट्स क्यू और एस है, सच डैट वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन पी कॉमा वन अपॉन क्यू कॉमा वन अपॉन आर कॉमा वन अपॉन एस आर इन ए पी। ये अपन क्या किसमें ए पी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये किसके बराबर होगा वो अपन को निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एट एक्स प्लस टाइम्स यहाँ से अपने क्या टू ए इक्वल टू किसके बराबर है, जीरो के बराबर। इनके रूट्स अपने क्या किसके बराबर है, तो इनके रूट्स अपने के पास है, एक रूट्स पी है और दूसरा रूट्स अपने क्या किसके बराबर है, आर के बराबर। लेकिन हमारे पास वन अपॉन पी वन अपॉन क्यू वन अपॉन आर में अपने पास रिलेशन दे रखा है, तो यानी अपने पास जैसे ही इसकी रूट से रेसिप्रोकल होंगे तो इसके जो कॉफिशियंट है ना वो अपने पास इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ अपने पास टू एक्स स्क्वायर माइनस टेंस एट ए एक्स और ये प्लस वन इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। तो इनके रूट्स अपने पास क्या होंगे बताइए, इनके जो रूट्स होंगे ना वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे बताइए, इनके रूट्स वन अपॉन पी के बराबर हो जाएंगे और दूसरा रूट्स अपने पास वन अपॉन क्यू के बराबर हो जाएंगे, बराबर वन अपॉन क्यू नहीं बल्कि वन अपॉन आर के बराबर। अब अपने पास कोई दूसरा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ट्वेल्व पी एक्स और प्लस टाइम्स किस बराबर दे रखा है, सिक्स बी के बराबर इक्वल टू जीरो। इनके दो रूट्स हैं बताइए कौन कौन से रूट्स, इनके एक रूट्स तो अपने के पास क्यू है और दूसरा रूट्स अपने के पास किसके बराबर है, तो पहला रूट्स क्यू है दूसरा रूट्स अपने के पास एस है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के कौन से रूट्स होंगे, कौन सा, तो सिक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ट्वेल्व बी एक्स और प्लस टाइम्स किसके बराबर है, वन इक्वल टू आ गया अपने क्या जीरो के बराबर। तो इनके जो रूट्स होंगे वो अपने क्या हो जाएंगे, तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो वन अपॉन क्यू के बराबर एंड वन अपॉन एस के बराबर, ठीक है। अब देखिए अपने के पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि वन अपॉन पी कॉमा वन अपॉन क्यू कॉमा वन अपॉन आर कॉमा वन अपॉन एस, ये अपने के पास किस में है, ए पी में है। वन अपॉन एस किस में है, तो ये पूरा अपने के पास ए पी में है। जब ये एपी में है तो एपी में अपने पास चार नंबर मानने का टर्म क्या होता था, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और कॉमा अपने पास क्या आ जाएंगे, अल्फा प्लस टू बीटा के बराबर, हाँ ना, और यह कॉमा आ जाएंगे अपने पास के बराबर, तो अल्फा माइनस टू बीटा के बराबर। देख लो अपने पास अगर आप गौर से देखते हो तो ये चारों एपी में ही है, ये चारों अपने पास क्या है, एपी में, फर्स्ट टर्म इसके बराबर है और कॉमन डिफरेंस अपने पास किसके बराबर है, तो अल्फा माइनस बीटा के बराबर, हाँ या ना, तो अल्फा माइनस बीटा ना। एक चीज अपने पास यहाँ पर गलती ये की है, यहाँ से अपने के पास कॉमन डिफरेंस ये अपने पास यहाँ पर थ्री होगा, ये किस बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर अपने के पास थ्री हो जाएंगे, यहाँ से किस बराबर आ जाएंगे, तो थ्री के बराबर, हाँ है ना, तो तीन में से एक जाएगा तो अपने के पास अल्फा माइनस बीटा तो माइनस टू, और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास टू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से भी अपने पास माइनस थ्री, तो ये अपने पास तीन नंबर चार नंबर अगर आप मानना है एपी में तो कुछ इस तरह के मानते हैं, यानी अपने के पास ये किसके बराबर, वन अपॉन पी इसके बराबर, वन अपॉन क्यू इसके बराबर, वन अपॉन आर इसके बराबर, वन अपॉन एस इसके बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने क्या सम ऑफ रूट्स बताइए, ठीक है, किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एस ओ आर अपने किस पर आ जाएंगे, तो एस ओ आर अपने के पास किस बराबर है, तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर, यानी यहाँ से अपने के पास हो जाएंगे एट ए और अपॉन में बताइए किस बराबर बताइए, एट ए और अपॉन में टू ए के बराबर, दैट मीन्स ये किस पर आ जाएंगे, फोर के बराबर। और सम ऑफ रूट्स किस बराबर है, तो वन अपॉन पी प्लस टाइम्स वन अपॉन आर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, फोर के बराबर। तो वन अपॉन पी और प्लस वन अपॉन आर, वन अपॉन पी किस बराबर है, अल्फा माइनस तीन बीटा के बराबर, है ना, और प्लस टाइम्स बताइए अल्फा माइनस तीन बीटा और प्लस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, फोर के बराबर। तो यहाँ से अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो अल्फा माइनस टू बीटा के बराबर हो जाएंगे, है ना, यहाँ से टू अल्फा माइनस टू बीटा इक्वल टू आ गया फोर के बराबर, यानी यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू किस बराबर हो जाएंगे, तो टू के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास पहला इक्वेशन अल्फा और बीटा में आ गया। अब अपने के पास क्या कीजिए, इनके अपने का सम ऑफ रूट्स बताइए, सम ऑफ रूट्स किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस ट्वेल्व बी और होल अपॉन में अपने किस बराबर सिक्स के बराबर, तो यहाँ से आगे किस बराबर, तो माइनस टाइम्स टू के बराबर। और सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, तो सम ऑफ रूट्स बताइए, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे अपने पास वन अपॉन पी सॉरी वन अपॉन क्यू और प्लस टाइम्स वन अपॉन एस इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टू के बराबर। वन अपॉन क्यू किस बराबर, अल्फा माइनस बीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो अल्फा प्लस थ्री बीटा इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स टू के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो यह अपने पास टू अल्फा माइनस टाइम्स टू बीटा इक्वल टू आ गया माइनस टू के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस वन के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस वन के बराबर। अल्फा प्लस बीटा आ गया
सॉरी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अपने पास नॉट माइनस बल्कि प्लस होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस वन के बराबर। इस दोनों को अपने पास क्या कीजिए, एक साथ सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, जैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ से अपने के पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास दो के बराबर, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर माइनस टू के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, माइनस वन के बराबर, नॉट माइनस टू, माइनस वन के बराबर सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास टू अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास वन के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास वन अपॉइंट टू के बराबर। जब अल्फा इक्वल टू आ गया वन अपॉइंट टू के बराबर, तो बीटा बताइए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास बीटा इक्वल टू आ जाएगा किस बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा यानी वन अपॉइंट टू प्लस टाइम्स बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास टू के बराबर, यानी बीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास दो दूनी सर माइनस टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास दो दूनी चार यानी थ्री अपॉन टू के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो बीटा इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स थ्री अपॉन सॉरी प्लस टाइम्स थ्री अपॉन टू के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बीटा अपने पास माइनस बीटा है ना, इस बात का यही तो था दिक्कत है कि यही सिली मिस्टेक होते हैं। ये आ गया माइनस टाइम्स थ्री अपॉन किसके बराबर जाएंगे, टू के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, अल्फा और बीटा आ गया, तो यहाँ से अपने पास वन अपॉन पी वन अपॉन क्यू बताइए। यहाँ से आ गया अपने पास वन अपॉन पी इक्वल टू किस बराबर है, तो अल्फा माइनस तीन बीटा के बराबर, हाँ है ना, यही है अल्फा माइनस तीन बीटा। देख लो वन अपॉन पी अपने पास किस बराबर है, तो अल्फा माइनस तीन बीटा, अल्फा अपने पास है वन अपॉन टू यानी आ गया वन अपॉन टू, और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो प्लस टाइम्स नाइन अपॉन, डायरेक्ट हम सॉल्व करें नाइन अपॉन टू के बराबर। ये आ गया अपने पास किस बराबर, फाइव के बराबर। वन अपॉन पी फाइव के बराबर, वन अपॉन क्यू बताइए, वन अपॉन क्यू है अल्फा माइनस किसके बराबर है, अल्फा माइनस बीटा के बराबर, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा तो ऐसे ही आ गया, अल्फा माइनस बीटा किस बराबर है, तो अल्फा माइनस बीटा टू के बराबर है। देख लो यही सॉल्व किया ना, अल्फा माइनस बीटा टू के बराबर। वन अपॉन आर बताओ, वन अपॉन आर अपने किस बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अभी निकाल किसके बराबर, माइनस वन के बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस वन के बराबर। वन अपॉन आर के बाद वन अपॉन एस बताओ, वन अपॉन एस किस बराबर, तो अल्फा प्लस थ्री बीटा के बराबर, तो यहाँ से अल्फा प्लस थ्री बीटा के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया, तो अल्फा अपने किस बराबर वन अपॉन टू, और प्लस टाइम्स नाइन अपॉन टू के बराबर, आया ना, माइनस टाइम्स नाइन अपॉन टू के बराबर, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास माइनस फोर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास नौ में से एक जाएगा, तो आठ, आठ में इसको दो से डिवाइड किया, तो माइनस फोर के बराबर। अब अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फर्स्ट इक्वेशन में, तो पहले इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस तरह जाएंगे, तो टू ए और अपॉन में वन के बराबर, नहीं वन अपॉन में टू ए के बराबर। यहाँ से वन अपॉन टू ए के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस बराबर, तो वन अपॉन पी इंटू वन अपॉन आर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास वन अपॉन टू ए के बराबर। यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा वन अपॉन पी यानी फाइव, और मल्टीप्लाई हुआ माइनस वन इक्वल टू आ गया वन अपॉन टू ए के बराबर, यानी ए की पावर माइनस वन इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स दस के बराबर। देख लो ए की पावर माइनस वन इक्वल टू आ गया माइनस दस के बराबर। दूसरे में अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, दूसरे में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे वन अपॉन सिक्स बी के बराबर, वन अपॉन सिक्स बी के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी वन अपॉन क्यू इंटू वन अपॉन एस के बराबर इक्वल टू आ गया वन अपॉन सिक्स बी के बराबर, वन अपॉन क्यू यानी माइनस वन सॉरी टू के बराबर, और एस अपने पास किस बराबर, तो माइनस फोर के बराबर इक्वल टू किस तरह, तो वन अपॉन सिक्स बी के बराबर। तो इनको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से बी इनवर्स किस तरह आ जाएंगे, तो छः और चार दुनिया आठ, तो माइनस टाइम्स फोर्टी एट के बराबर, यानी बी इनवर्स इसके बराबर हो जाएंगे। अब अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, तो एफ एन एफ यानी अपने पास किस बराबर है, तो ए इनवर्स और माइनस टाइम्स बी इनवर्स, आई थिंक यही पूछ रखा है, ए इनवर्स और माइनस बी इनवर्स। देख लो ए इनवर्स और माइनस बी इनवर्स, ए इनवर्स अपने पास आया क्या, तो ए इनवर्स आएगा माइनस दस के बराबर, और बी इनवर्स अपने पास माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर्टी एट के बराबर। यानी यहाँ से सॉल्व किया, तो ये आ गया प्लस टाइम्स थर्टी एट के बराबर, यानी थर्टी एट इज द करेक्ट आंसर। तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास जेई मेंस के 25 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, सोचने वाला भी क्वेश्चन था और कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टमेंट आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।